अपने आप को रोमियो समझते हो? ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे। तब फाइनली दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की 3 साल बाद रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म राधेश्याम कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार अंदाज में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही पिछले 3 सालों में रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और नंबर 1 फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि पैन इंडिया के सबसे बड़े और डार्लिंग सुपरस्टार प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है राधेश्याम, जिसे कि रिलीज किए आज 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है, इस फिल्म को हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी और इस फिल्म ने कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के डाहार्ड फैंस से राधेश्याम फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और अब दोस्तों उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली एक लव रोमांस ड्रामा फिल्म है राधेश्याम, जिसे कि 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रिबल स्टार प्रभास के अलावा ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े, जगपति बाबू और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टी सीरीज और यूवी क्रिएशन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बता चले दोस्तों आपको कि कल इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर दोस्तों ये फिल्म हिंदी में ही लगभग 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई। इस फिल्म को दोस्तों मॉर्निंग से ही ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने एडवांस में ही 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अपने पहले दिन कर ली थी। बाद में दोस्तों ऑन स्पॉट बुकिंग भी इस फिल्म को लेकर काफी अच्छी रही और यही वजह रही दोस्तों कि राधेश्याम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन आउटस्टैंडिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और पुष्पा, बिमला नायक, सूर्यवंशी और पिछले 3 सालों में रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इस फिल्म का पहले ही दिन का कलेक्शन 75 करोड़ रुपए का रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म ने जहाँ तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड तोड़ 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी अपने पहले ही दिन का कलेक्शन आउटस्टैंडिंग रहा, जहां से इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। तमिलनाडु में दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए का रहा। वहीं दोस्तों केरला बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन 50 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो मेन कलेक्शन था वो तेलुगु और हिंदी बॉक्स ऑफिस का था और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ी ओपनिंग ली है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छी ओपनिंग है मिक्स रिव्यूज के बाद। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली और 2020 और 19 की रिलीज होने वाली सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने तोड़ दिया। इस फिल्म का दोस्तों ओवरसीज से भी अपने पहले ही दिन का कलेक्शन $2.5 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन विदेशों से कर ली है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो अपने पहले ही दिन का 75 करोड़ रुपए का हो चुका है। बताते चले दोस्तों आपको कि प्रभास की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा और पुष्पा, जिसने कि अपने पहले दिन 73 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की थी, उसको भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म के साथ दोस्तों प्रभास ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है कि उनकी दोस्तों बाहुबली के बाद रिलीज होने वाली अब तक की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उन सभी फिल्मों ने 75 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिसमें दोस्तों राधेश्याम 4थे नंबर पर रहती है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दे चले आपको कि हिंदी में तो इस फिल्म के सामने द कश्मीर फाइल्स जैसी बड़ी फिल्म आ चुकी है, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है और यही वजह है दोस्तों कि द राधेश्याम की जो स्क्रीन से वो अपने पहले दिन से घटाकर अब दूसरे दिन कम कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो 12 से 15% की है, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों आज इस फिल्म की काफी अच्छी है और ये फिल्म 20 से 22% पर आज भी चल रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने
दूसरे दिन भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों इन चारों ही जगहों से इस फिल्म का आज का कलेक्शन 25 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 2 ही दिनों में 120 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक सुपर हिट ट्रेंड कर रही है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि मिक्स रिव्यूज मिलने के बावजूद भी क्या राधेश्याम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। आपको दोस्तों राधेश्याम से क्या उम्मीदें हैं हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।